नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आज राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स को जमींदोज भी किया जा रहा है। वहीं इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लगातार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, जहां अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराया गया है। गाजियाबाद में होटल के कमरे में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां लड़की की हत्या की आशंका जताई गई है। खबरों के मुताबिक युवती अलीगढ़ की रहने वाली थी। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच में भी जुट गई है। आपको बता दें कि घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया इलाके के होटल आर्य का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज लगभग 10:30 बजे बजरिया चौकी क्षेत्र थाना कोतवाली को ये सूचना मिली कि बजरिया में एक होटल में एक युवती का मृत शरीर मिला है। तुरंत ही तत्काल मौके पर पहुंच गई एवं फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। इसमें जो युवती की पहचान हुई है उनका नाम प्रियंका देवी, वाइफ ऑफ व्यापारी सिंह हुआ है, जो कि लगभग 48 वर्ष की उम्र है इनकी और ये अलीगढ़ की रहने वाली हैं। बॉडी का पंचनामा कर तत्काल ही इसको एक वीडियोग्राफी कराकर एक पैनल के थ्रू पीएम कराया जा रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है, इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी करी जाएगी। अलीगढ़ पुलिस ने 10 सालों में अलग अलग जगहों से 138 अभियोगों में 18,000 लीटर शराब जब्त की है और अब कोर्ट के आदेश के बाद सारी शराब को गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफन कराया गया। दरअसल एसएसपी कला निधि नैथानी के निर्देशन में थाना मालखानों में रखे मालों को पार कराए जाने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना इगलास ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि थाना परिसर में रखी शराब से दुर्गंध आ रही है, जिससे वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार सारी अवैध शराबों को दफन कराया गया। एसएसपी अलीगढ़ महोदय द्वारा माल निस्तारण के क्रम में जो अभियान चल रहा है उसी के क्रम में आज सक्षम न्यायालय से अनुमति के उपरांत 138 आबकारी मुकदमों के तहत उनके माल का निस्तारण करवाया गया, जिसमें लगभग 18,000 लीटर शराब को नष्ट विनष्ट किया गया है, जिसमें एसडीएम इगलास और सीओ इगलास और एसएचओ इगलास की मौजूदगी में नियमानुसार नष्ट कराया गया है। खबर औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक छात्रा स्कूल से घर जाते समय तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आ गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है। रायबरेली में जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदलने से जनता को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जनपद के दौरे पर निकले योगी सरकार के मंत्री के सामने जनपद की सच्चाई आ गई। जब सुबह शहर के भ्रमण पर निकले मंत्री सुरेश खन्ना अन्य दो मंत्रियों के साथ सड़क के भ्रमण के लिए निकले, तो पहले उन्होंने खस्ताहाल बस स्टैंड को देखा और जल भराव की समस्या इतनी थी कि मंत्री खुद को पानी के किनारे से होते हुए निकालते नजर आए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रायबरेली में अभी हल्की सी हुई बारिश ने शहर की तस्वीर को मंत्री के सामने खोल कर रख दिया है। वहीं सच से मुखातिब होते हुए भी मंत्री सुरेश खन्ना देखे गए, जहां सड़कों पर जलभराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक सभागार में वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई,
जिसमें ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे, जबकि बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, सांसद प्रतिनिधि रिया शाह के समेत ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी ने इस बैठक में शिरकत की। वह इस बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। सर, आज ब्लॉक सभागार में जो प्रधान और बीडीसी के बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी लोग आए, क्या क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए? आज क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सम्मानित सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। शासन द्वारा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं जो विकासखंड स्तर पर विशेष रूप से जिन पर नियंत्रण किया जाता है, जिनको संचालित की जाती है, उनके बारे में जानकारी दी गई। इसमें समाज कल्याण में संचालित वृद्धा विधवा विकलांग पोषण पालनहार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उर्वरक वितरण, हैंडपम्प मरम्मत, जल निगम की योजनाएँ, मनरेगा, श्रम विभाग की योजना और आवास और ग्राम विकास की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आज आपके द्वारा ब्लॉक सभागार में बीडीसी एवं प्रधान की जो मीटिंग लगी, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वित्तीय वर्ष, पिछले बीते हुए वित्तीय वर्ष में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा और हमारे आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे विकास कार्य की कार्ययोजना तैयार होना, उसकी रूपरेखा तैयार करना और हमारा विकास कार्य कैसे बेहतर हो, एक सामंजस्य बैठा के सभी बोर्ड के मेंबर को आज बुलाया। गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीते 24 घंटों में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 3 महीनों में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंची है। वहीं पूरे देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,205 कोरोना के नए मामले भी सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जनपदों में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पहले तो फरुखाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी हो गया। वहीं औरैया में स्कूल में पढ़ने जा रही 11वीं की छात्र को एक टैंकर ने रौंद दिया, जिसकी उस बच्ची की भी मौके पर मौत हो गई। वहीं गाजीपुर में भी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और वहीं सीतापुर में भी एक पेड़ से एक कार टकरा गई, जिसमें गाड़ी सवार अधिवक्ता की पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सड़क हादसों की तस्वीर सामने आ रही है। औरैया, गाजीपुर, सीतापुर और फरुखाबाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बुधवार की शाम से ही यूपी में आंधी के साथ साथ बारिश के साथ लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, जबकि मौसम विभाग ने गुरुवार को भी गोरखपुर सहित कई जगहों पर धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। तो इस वक्त प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और मौसम का मिजाज बदलने से ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो यूपी में कल देर शाम से ही लगातार बारिश और आंधी देखने को मिल रही है। इस दौरान आप अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां अलीगढ़, बागपत, बलिया और लखनऊ में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।